बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फातिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस वक्त दोपहर का वक्त है, लंच का टाइम है। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार से चिकन पोटा कलेजी, जो कि झटपट बन जाएंगे और आपको किचन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना पड़ेगा। बहुत यम्मी रेसिपी है, पूरी वीडियो फॉलो कीजिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बना सकें। डू सपोर्ट मी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे पास है 3 पाव चिकन पोटा, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है, फिर इसको वॉश किया है और मैंने लहसुन और प्याज भी छील के रख लिया है। अभी मैंने ली है एक पैन, उसमें मैंने चिकन पोटा डाल दिया है। मैंने ना ही इसमें ऑयल डाला है, ना ही इसमें पानी ऐड किया है। कलेजी जो थी वो मैंने एक साइड पर कर ली है, उसे हम थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास लहसुन और प्याज हैं, थोड़ा हाफ कप लहसुन है और मीडियम साइज़ की स्लाइस्ड प्याज है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ में रेड चिल्ली पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और हरी मिर्च और 1.5 गिलास पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और हमारा चिकन पोटा जो है वो गल चुका है, मेरे से थोड़ी सी वीडियो जो है वो डिलीट हो चुकी थी बॉयल करने की। इनको हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है, ये गल गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट, साथ ही मैंने जो कलेजी बचा के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है, और इसमें ऐड किया है 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद 10 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और हम 1 टीस्पून गर्म मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। आपने देखा कि बहुत मज़े की रेसिपी बहुत कम टाइम में तैयार हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।